अभी मैं अखबार पे ब्लाउज काटूंगी, ये मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज काटूंगी। तो इसकी लंबाई है 14 इंच, तीरा भी है 14 इंच, तो 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे। गला में बॉट नेक बनाऊंगी, तो इसकी चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच, गहराई भी मैं 3.5 इंच लेंगी। इसको चौकोर बनाएंगे, अब गुलाई देंगे। सीना है 34 इंच, तो 34 का चौथा ही 8.5 होगा, 8.5 पर निशान लगाएंगे। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा भाग 8 इंच होगा, 1.25 इंच प्लेट के लिए रखेंगे, तो 9.25 पर निशान लगाएंगे। इस लाइन को अब सीधा कर देंगे। डेढ़ इंच सिलाई के लिए लेंगे, इधर भी सिलाई के लिए 1.5 इंच लेंगे। अब 4 इंच पर निशान लगाएंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। इधर से ऊपर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे, 1.25 इंच की प्लेट डालेंगे। अब इसे काटेंगे, अभी हम निशान लगाएंगे, ये 6 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पे 4 इंच लेंगे और इधर 6 इंच लेंगे। इस निशान को ऐसे मिलाएंगे, थोड़ी गुलाई दे देंगे। इस तरह प्रिंसेस कट ब्लाउज काटेंगे। ये मैंने ब्लाउज काट लिया है, इसको निकाल देंगे। अब इसको भी हटाएंगे, इसकी जगह पर नेट लगाएंगे। अब इसको यहाँ सिलेंगे, जस्ट जॉइंट करेंगे।
करें, इसको मिलाना है ठीक से। मैं हुक और आई के लिए पट्टी लगाऊंगी। अब मैं ये नेट लगाऊंगी इसमें, यहाँ सिल देंगे ये। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कट करने की क्या ज़रूरत है, इसका राज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें और भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी जो अगली वीडियो में दिखाऊंगी।
अगर आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो इसी ब्लाउज को आप दो और अलग अलग डिजाइन के साथ पहन सकते हैं और कहीं भी शादी या पार्टी में पहन कर जा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसी ब्लाउज में डोरी और लटकन वाली डिजाइन बनाऊंगी जो बहुत ही सुंदर लगती है। अब हम ये गले की पट्टी सिलेंगे, एक इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे। अब मैं ये तीरा पे पट्टी लगाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ हुक लगाऊंगी तीरा पे। इधर भी तीरा पे पट्टी लगाएंगे। अब मैं इसमें आरमोल में पट्टी लगाऊंगी क्योंकि मैं इसमें बाजू नहीं लगाऊंगी। सिल दिए। बैक पार्ट में भी हम पट्टी सिल देंगे गले पे और तीरा पे।
ये मैंने इसमें भी सिल ली है पट्टी, ये मुड्डे पे और गले पे और ये पीछे। इसको भी मैं बैक पार्ट में जोड़ दूँगी। इसको भी ऐसे सिल देंगे। अब हम ये आर्मोल सिल लेंगे। ये आर्मोल सेफ है, इसी को रख के हम अब ये आर्मोल में पट्टी लगाएंगे। एक इंच चौड़ी ये पट्टी काटेंगे। यहाँ पे थोड़ा जोड़ लगा देंगे। इसमें भी पट्टी काटेंगे एक इंच चौड़ी। कैसे मोड़ के सिल देंगे। ये मैंने पट्टी सिल दी है और ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इधर भी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये कमर पे भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। ये ऊपर मैंने यहाँ तीरा की जगह मैंने हुक लगाए, सिलाई नहीं करी, क्योंकि मैं इस ब्लाउज में और भी डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये डिज़ाइन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। पीछे मैंने हुक लगा लिया। अगर आप इस ब्लाउज की डोरी और लटकन वाली डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो में देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसी नई नई डिज़ाइन लेकर आ सकूं।